नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमवी स्वराजदीप, जो कि पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई जाने वाली थी, वह बहुत वक्त के लिए डिले हो गई। शिप की टाइमिंग 10 बजे की थी, लेकिन 7 घंटे के लिए डिले हो गई। इस कारण पैसेंजर काफी परेशान थे। टाइमिंग एक दो घंटा आगे पीछे होता है, एकदम सुबह एकदम गोली लगा दिया। आप लोग तो बोल देते हैं, आप कंट्रोल तो की जो आना जाना जो बोलना तो तुरंत पब्लिक का हरेसमेंट नहीं देना, फटाफट हो जाना है। ये कहानी लास्ट 6 महीने से ऐसे चल रहा है। ये कभी पायलट नहीं देता है, सरकार नहीं करता है। 2 घंटा डिले हुआ, 2 घंटा होने से परवाह नहीं, 4 घंटा का ऊपर बैठा। और जब कुछ पैसेंजर ने क्रू मेंबर से बात की तो क्रू मेंबर बोले, कैप्टन के ना होने पर शिप को डिले की जा रही है। शिप की पैसेंजर ने हमसे बात की, चलिए सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी मैडम, मेरा नाम अजीत कुमार है। मैडम अजीत कुमार है सर, आप कहाँ पे रहते हैं? हम पे लोकल है मैडम, पत्रकार। जी सर, शिप का नाम? शिप का नाम सुराजदीप है मैडम। एक्चुअली शेड्यूल टाइमिंग था 10 बजे का मैडम। जी सेलिंग टाइमिंग था 10 बजे। सेलिंग टाइम 10 बजे और पब्लिक का जो पैसेंजर का एम्बारेसमेंट टाइम था 9 से, तो 8 से लेकर 9 बजे तक था जी। लेकिन पैसेंजर थोड़ा ज्यादा है करके ठीक है 10, 11, 12 बजे तक भी चढ़ा मैडम जी। सर कहाँ से कहाँ तक जाना था? मेरे को जाना था कि ये पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई तक जाना था मैडम। पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई तक? जी जी, शिप शिप में ना जी। जी लेकिन हम लोग चढ़ने के बाद तो उन लोग को ऐसे कर दिया कि अभी 4 बजे तक यहाँ से नहीं निकला मैं यहाँ से। अच्छा, तो सुबह से आप लोग वहीं पे है, शिप के अंदर ही है? शिप के अंदर ही है मैडम। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग शिप के वहाँ पे जो भी है कैप्टन उनसे जाके बात करें आप? हाँ जी मैडम, सामने से पहले क्रेन सीढ़ी उठाने के क्रेन आया था, हम लोग सोचा कि ठीक है कैप्टन अभी आ जाएगा। 12 बजे से हम लोग भी देखते ही है, क्रेन खड़ा है, फिर पीछे जाता है, फिर साइड हो जाता है। फिर हम लोग गुस्सा कि ऊपर जाके स्क्रू से पूछा तो हम लोग बोलते हैं कि पायलट अभी अवेलेबल नहीं है। फिर हम लोग जाके अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। और डग बोर्ड भी आया नहीं, इसको जो खींच के आने का वो डग बोर्ड भी है ही नहीं बोल जी। फिर हम लोग 10-20 दिन ऊपर गया था, फिर जाके बात किया, फिर यहाँ का स्क्रू लोग भी बोला कि हम लोग मैसेज किया, टच भी किया जी। अभी तक कुछ एडमिशन रिप्लाई नहीं आया, आ जाएगा बोला था। कितना बजे बोला हम लोग? 3:30 बजे। फिर हम भाभी का फोन किया था, बोला था जी सर। फिर उसका बाद में शिप में अनाउंस कर देंगे 10 मिनट में कैप्टन आ जाएगा। लेकिन इन लोग क्रू बोलता है कि यह तो हर बार में इसी तरह चलता ही है, या पायलट का इसी तरह प्रॉब्लम है बोलता है। दिया बार सेलिंग में भी 2-3 घंटे इसी तरह पैसा करने के बाद 2-3 घंटे के बाद लेट से छोड़ता, हर बार ये इन लोग का इसी चलता है। और अभी कितना बजे जाके बोले थे कि मतलब शिप? हम लोग तो अभी 4 बजे 4:15 तक जाके बोला। कितना बजे गए थे सर? हम लोग तो क्रू के बाद तो 3:30 बजे गया था। अच्छा, हम लोग भी बहुत बार इंतजार करते थे, ठीक है अभी छोड़ देगा, अभी छोड़ देगा करके। लेकिन तो टाइम तो ज्यादा है भैया, क्योंकि सुबह निकलने से तो हम 31 को सुबह वहाँ जा सकता है, फिर वहाँ से हमें सबरीमाला भी जाना है ना, हम लोग उसका हिसाब से शेड्यूल करके रखे। अभी इन लोग शाम को छोड़ेगा तो फिर हम लोग रात को छोड़ेगा तो फिर हम लोग पूरा प्रोग्राम तो कैंसिल हो जाएगा ना मैडम। हम लोग पूछते कि कैसे आप लोग बिना पायलट का आप लोग शेड्यूल कैसे डाला? पूछते नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, हम लोग को शेड्यूल डाले, वो लोग पायलट नहीं देता। इन लोग दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम लोग क्या करा, पब्लिक तो ऐसा करता है, तो नहीं करना चाहिए ना। अभी का सिचुएशन क्या है सर वहाँ का? अभी कैप्टन आया मैडम, अभी कैप्टन आया जी 10 बजे से, अभी 4:30 बजे अभी कैप्टन आया, मेल ऑर्डर करके फिर कैप्टन को बुलाया लगता। ये तो इन लोग एडमिशन सोचता नहीं, कैप्टन नहीं है, इन लोग तो शेड्यूल डाल दिया, वही पायलट शॉर्ट है बोलता लगा।
अच्छा प्रूव बोलता हूँ, हम लोगों का रिकॉर्ड है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।